आज सुनेंगे 18 जनवरी 1970 की अव्यक्त मुरली, संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। आज किस लिए बुलाया है? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? एक एक सितारे को किस रूप से देख रहे हैं? सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुँचे हो। संपूर्णता के समीप पहुँचने की परख क्या होती है? संपूर्णता की परख यही है कि वह सभी बातों को सभी रीति से सभी रूपों से परख सकते हैं। आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई? चित्र स्मृति में आया वा चरित्र स्मृति में आया? चित्र के साथ और कुछ याद आया? बच्चों ने जवाब दिया, शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी? विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेंगी। इसीलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए। आज के दिन और भी कुछ विशेष कार्य किया? सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ और भी कुछ किया? जवाब दिया बच्चों ने, विकर्म विनाश यह तो याद का परिणाम है, और विशेष क्या कर्तव्य किया? पूरा एक वर्ष का अपना चार्ट देखो, इस अव्यक्त पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हो। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। अगर व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े यह चेकिंग करनी है। अव्यक्त स्थिति बढ़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अलौकिक चलन, इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो यह चेक करना है। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स लिया वह अपने आप को जानते हो। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है? परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई के लिए यह बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अब बड़ा पेपर होना है। जैसे इस
पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है। व्यक्त में भी अब भी सहारा है, जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त है। यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ ही जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। साकार अकेला नहीं है, प्रजा पिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मणके हो ना, माला में अकेला मणका नहीं होता है। माला में एक ही याद के सूत्र में स्नेह में परिवार समाया हुआ है। तो यह जैसे माला में स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए है, देवी कुल तो भविष्य में है, इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी उतना ही देवी राज्य में समीपता होगी। साकार में क्या सबूत देखा? बाप दादा किसको आगे रखते हैं? बच्चों को, क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम बाला नहीं हो सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया वही फॉलो करना है। यहाँ पेपर पहले ही सुनाया जाता है। निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हर एक के स्नेह सहयोग और शक्ति का। अब वह समय नज़दीक आ रहा है जिसमें आपका भी कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए अंगुली देनी है। कलियुगी पहाड़ तो पार होना ही है, लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी है। तन की समस्या भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन यह जो अलौकिक संबंध है उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। लेकिन यह समस्याएं सभी पेपर समझना यह प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, यह पेपर समझना। अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी देखना है पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं। फिर इस पेपर के रिजल्ट सुनाएंगे। इस समय अपने में विल पावर धारण करना है। अभी विल पावर नहीं आई है, यथा योग्य यथा शक्ति पावर है। विल पावर कैसे आएंगी?
विल पावर आने का साधन कौन सा है? विल पावर की कमी क्यों है? उसके कारण का पता है? याद की कमी भी क्यों है? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया, विल पावर कैसे आई? पहला कदम कौन सा उठाया? सभी कुछ विल कर दिया, विल करने में देरी तो नहीं की। जो भी बुराई है अंदर व बाहर, वह संपूर्ण विल नहीं की है तब तक विल पावर आ नहीं सकती। साकार ने कुछ सोचा क्या? कैसे होगा, क्या होगा, यह कब सोचा? अगर कोई सोच कर विल करता है तो उसका इतना फल नहीं मिलता है जैसे चाटकू और बिगर चाटकू का फर्क होता है ना? पहले स्वीकार कौन होता है? जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर वन की शक्ति मिलती है। जो पहले स्वीकार नहीं होता उनको शक्ति भी इतनी प्राप्त नहीं होती है। इस बात पर सोचना, बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है। तो भविष्य कर्म बंधन की रशियां देखकर इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। कर्म बंधन की रशियों को काटना अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है, इसीलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं। रस्सियां अगर टूटी हुई है तो फिर कोई रोक सकता है? छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। आज के दिवस पर क्या करना है और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है वह सभी याद रखना है। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती, तो समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया है। कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहेज करे। सहेज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है, मुश्किलातों को पार करना वह कमाल। मुश्किलातों को मुश्किल न समझ कर चलना यही कमाल। अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? एक सेकंड में सौदा करने वाले कहाँ फंसते नहीं है, फास्ट जाने वाला कहाँ फंसेगा नहीं, फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकेगा। लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है, अब भी फास्ट जाने का चांस है। सिर्फ एक हाई जंप लगाना है, लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।